अगर आपको कोई चोट ऐसी अंदरूनी चोट लगती है तो आप उसके ऊपर इसकी पॉलीफैक्स या कोई और चीज़ उसको लगाते हैं, उसके ऊपर लगा के मालिश करके तो ये उसके ऊपर मैनेज करते हैं ताकि सुबह तक आपको रिलीफ मिल सके। ठीक है, इसके बाद ये सनी प्लास्ट है, सनी प्लास्ट अंडरस्टैंड, छोटी मोटी चोट लगती है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कॉटन कहा जाता है। इसके बाद आपका ये जो चीज़ होती है इसको कहते हैं गाज। क्या कहते हैं, गाज। गाज से आप क्या करते हैं, ज़ख्म को साफ़ किया जाता है। क्या किया जाता है, ज़ख्म को साफ किया जाता है। अभी एक मैं बच्ची को खड़ा करूँगा, बाकायदा मैं क्लास पूरी लूँगा ताकि आपको पता चले कि बैंडेज हमने करनी कैसे। ये वैच नहीं है, वैच जो होता है उसके अंदर तो वो गीला होता है ना, ये वो चीज़ जी 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 उसको लगी होती है वो वाला, वो भी होता है। ठीक है, लेकिन देखें जब आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है फिर तो है। मैं जो कोर्सेज चलाता हूँ उनको लेके मैं जंगल में जाता हूँ, वो जंगल में पट्टियाँ नहीं मिलती हैं आपको। जंगल के अंदर जब मैं मेडिकल सिखाता हूँ किसी को तो वो फिर दरख्तों के पत्तों से दवाई बना के वो उसके ऊपर लगाते हैं और उसको फिर कैसे बंद करते हैं। अगर आपको जंगल के अंदर पानी चाहिए तो वो आप किस तरह से असर कर सकते हैं। जंगल के अंदर किसी की लेग्स टूट गई है और किसी का बाजू टूट गया तो आप उसको कैसे बंद करते हैं, वो फिर जंगल के साथ उधर से लेते हैं, उधर से काम होता है, फिर पत्तियाँ इस्तेमाल नहीं किया। ओके, अभी एक बच्ची खड़ी हो गई लात बन नहीं है, एक आप बैठ जाए अगली आपके साथ। ओके, इधर देखिए, अगर किसी को चोट लग जाती है, क्या लगती है, चोट, मिसाल के तौर पे इस जगह पे चोट लग गई है, ब्लीडिंग शुरू हो गई घर में। मैंने बताया कि आपके पास घर के अंदर फर्स्ट एड बक्स पड़ा हो और वो पूरे घर में सबको पता हो कि वो किधर पड़ा हो, और जब किसी को चोट लगती है तो आपने उसके अंदर वो नहीं करना कि आप लोग शोर करना शुरू कर दे घरों में, पता क्या था, ओए मामा फूल, इस तरह का काम नहीं करना आपने। ठीक है ना, आपने कॉन्फिडेंस में रहना है और मामा को जाके बताएं कि इस तरह भाई को चोट लगी है, या खुद भागती हुई जाएं वो फर्स्ट एड निकाल के लाएं और उसके ऊपर रख के ऐसे दबा के पहले उसको साफ़ करें। अच्छा, साफ़ कैसे करना है, आपने ये गाज लिया, ठीक है, गाज आपने लेकर इसको बस जो जितना भी है आपके पास उसके हिसाब से आपने उसको इस्तेमाल करना है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपने सबसे पहले गाज लेना है और गाज लेने के बाद आपने उसको क्या करना है, पायोडीन लगा के ऐसे आपने जख्म को, उस वक्त तो बड़ी जल्दी उठी थी तो अभी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, उधर देखिए, अच्छा ये ऐसे आपने क्या करना है, इसको साफ़ कर दिया, एक दफ़ा आपने जरासीम उसके उतार दिए, दोबारा आपने क्या किया, खुश्क गाज लिया और आपने इसको मुकम्मल सफाई कर दी। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक और गाज लेंगे, गाज को आप ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, फोल्ड करने के बाद आप हल्का सा इसके ऊपर पायोडीन लगाएंगे, पायोडीन लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ऊपर रखेंगे, यहाँ पे आपने ऐसे रखना है और रखने के बाद जो एक इंच वाली पट्टी है, कौन सी वाली, एक इंच वाली, आप देखें ना कि अभी अगर आप जगह छोटी है तो आप तीन इंच वाली पट्टी बांधेंगे तो वो तो बाहर निकल जाएगी ना, जिसका जिस हिसाब से चोट लगी है तो आपने उस हिसाब से आपने इसके ऊपर पट्टी कर दी, यहाँ पे ओके। मैंने क्या कहा है कि चोट किसी को लग जाती है तो आपने